Hi guys, this is and back to my और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय वीकली होती है स्पेशली हम जैसे लोगो के लिए जो ब्यूटी ब्लॉगर है रोज मेकअप करते हैं रोज लिपस्टिक लगाते हैं रोज अपने फेस पर फाउंडेशन लगाना पड़ता है और पता नहीं क्या क्या प्रोडक्ट्स लगाने पड़ते हैं जिनकी वजह से हमारे पोर्स जो है वो क्लॉक हो जाते हैं स्किन ब्रीदेबल नहीं बचती है और सिर्फ हमारे ही लिए नहीं ये सबके लिए है में एक बार डीप क्लिंजिंग जरूर करें अपनी स्किन को वंस इन अ वीक पैम्पर जरूर करें आपकी स्किन और भी ज्यादा ब्रीदेबल बनेगी सॉफ्ट बनेगी आपकी स्किन प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो कम होती जाएंगी तो आइए अब जल्दी से मूव ऑन कर लेते हैं अपनी वीडियो की तरफ लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए सब्सक्राइब एंड नाउ मूव ऑन टू वीडियो इट्स अ फाइव स्टेप प्रोसेस जिसमें सबसे पहले हम करेंगे स्टेप नंबर वन जो है हमारा क्लिंजिंग और क्लेंजिंग के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूं गुड बाइब्स का एक्टिवेटेड चारकोल डीप क्लिनिंग फेस वॉश एक्टिवेटेड चारकोल वाला मैं इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि ये आपके पोर्स को ना अंदर तक डीपली क्लीन कर देता है और एक रिफ्रेशिंग इफेक्ट देता है ये फेस वॉश काफी ज्यादा हाइड्रेटेड है मेरी स्किन को और भी ज्यादा सॉफ्टर बनाता है ब्राइटर बनाता है और एक कूलिंग इफेक्ट भी देता है मेरी स्किन के अंदर इन जस्ट सम मिनट्स ऑफ द यूज और मैं इसको रेगुलरली यूज़ करती हूँ और ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है आप इसको वंस इन अ वीक भी यूज़ कर सकते हैं और इसको रेगुलर भी यूज़ कर सकते हैं जस्ट वंस इन अ डे स्टेप नंबर टू है हमें बनाना है स्क्रब स्क्रब के लिए यहाँ पर मैंने लिया है शुगर हनी एंड लास्ट हमें चाहिए लेमन जूस वन टू टू स्पून ताकि ये अच्छे से मिक्स हो सके अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको करना है अपने फेस को एक्सफोलिएट ये हमारा स्टेप नंबर टू है आपको ना बहुत ही जेंटली स्क्रब करना है अपने फेस पर हार्शली सर्कुलर मोशन में नहीं करना है बहुत ही जेंटली करना है इससे आपकी स्किन एक्सफोलिएट होगी डेड स्किन रिमूव होगी और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है या फिर बहुत ज़्यादा ऑयली रहती है ना तो ये उन दोनों चीज़ों को बैलेंस करेगा और आपको एक सॉफ्टनिंग इफ़ेक्ट भी देगा आपको ये इन अ वीक करना है ज़्यादा स्किन को एक्सफोलिएट नहीं करना है और उसके बाद अपने फेस को वॉश कर लेना है नाउ स्टेप नंबर थ्री है हमारे लिप्स के लिए और लिप्स के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का लेमन लिप्स स्क्रब लेमन में बहुत ही ज़्यादा विटामिन सी होता है जो आपके लिप्स को और भी ज़्यादा नरिश करता है पिगमेंटेड लिप्स को ना लाइटन अप करता है यानी कि आपका जो लिप्स ब्लैक हो जाते हैं बहुत ज़्यादा लिपस्टिक लगाने से ये उनको लाइटन करता है और नरिशिंग एंड हेल्दी इफेक्ट देता है दिस लिप स्क्रब फारेशन हेल्प प्रिवेंट एंड ट्रीट अल्ट्रावायोलेट एंड फोटो डैमेज से भी बचाता है नाव हमारा स्टेप नंबर फोर है मसाज क्रीम यहाँ पर मैं होम मेड मसाज क्रीम बना रही हूँ जिसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए कर्ड क्योंकि इसमें लेक्टिक एसिड होता है तो ये आपकी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है नेक्स्ट हमें चाहिए बेसन नेक्स्ट इज लेमन जूस और लास्ट हमें चाहिए टर्मरिक टर्मरिक हमारे स्किन को ब्राइटन uh, अप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है साथ ही साथ जिनको टेनिंग की प्रॉब्लम हो जाती है डिसकलरेशन की प्रॉब्लम हो जाती है ये उन सारी चीज़ों को ठीक करती है और एक टाइम के बाद ख़त्म कर देती है ये सारी की सारी चीज़ें मिलकर ना आपकी स्किन में एक ब्राइटनिंग इफेक्ट देती है और आपको जो बहुत ज़्यादा पिंपल्स की प्रॉब्लम है एक्ने डार्क स्पॉट ब्लैक स्पॉट इन सारी चीज़ों की प्रॉब्लम है टेनिंग हो गई है और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है या फिर बहुत ज़्यादा ऑयली रहती है तो ये उन सारी चीज़ों को बैलेंस करता है और आपकी स्किन को एक स्मूदनिंग इफेक्ट देता है आपको ये पूरे फेस पर या फिर अगर आप नेक पर या बॉडी पर कहीं पर लगाना चाहते हैं तो उसको लगा सकते हैं आपको पाँच से दस मिनट तक इससे अच्छे से मसाज करनी है सर्कुलर मोशन में पूरे फेस पर फाइव टू टेन मिनट्स तक मसाज करने के बाद आपको अपने पूरे फेस के ऊपर इसकी एक थिक लेयर लगा लेनी है और उसको थोड़ा ड्राई होने तक का वेट करना है एटलीस्ट ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव मिनट के लिए ड्राई होने दें और उसके बाद अपने फेस को वॉश कर लें आपको इंस्टेंटली रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा तो ये हमारी मसाज क्रीम प्लस फेस पैक था लास्ट में हमें हाइड्रेटिंग के लिए एक जेल चाहिए होता है तो जेल के लिए ना मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का ही ऑरेंज रिफ्रेशिंग फेस जेल ये स्पेशली फेस जेल है और वाइटामिन सी यानी कि ऑरेंज वाला है तो वाइटामिन सी इसमें बहुत ही हाई मात्रा में भरा हुआ है तो ये गुड वाइब्स का ऑरेंज जेल सुटेबल है फॉर ऑल स्किन टाइप्स और ड्राई और डल स्किन के लिए तो एकदम बेस्ट है ये आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है डल स्किन हो गई है उसको ब्राइटन अप करेगा और आपके पोर्स को और ऑयल को कंट्रोल करके रखेगा जो आपके पोस्ट क्लॉग हो जाते हैं उसको कंट्रोल करके रखेगा और ये आपको एक रेडिएंट स्किन देगा और फर्म एंड ग्लोइंग स्किन भी प्रोवाइड करेगा तो लास्ट में आपको इसे मसाज करनी है और इसको ऐसे ही छोड़ देना है आप इसको रेगुलर भी यूज कर सकते हैं आपको अपनी स्किन में खुद पे खुद डिफरेंस दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा एंड गाइज गुड वाइब्स के प्रोडक्ट्स पर यू विल गेट गॉर्जियस सेल फ्रॉम एटीन टू ट्वेंटिय मार्च जिसमें आपको बाय टू एंड गेट टू फॉर फ्री और गुड वाइब्स एड एनी फोर प्रोडक्ट्स टू द कार्ड एंड पे फॉर टू और ये सारे के सारे आपको पर्पल डॉट कॉम पर अवेलेबल हो जाएंगे सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं सो so गाइज आप लोगों ने देख लिया ना कि आपको किस तरह से डीप क्लिंजिंग करनी है और जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए हैं उनका हर एक का परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अगर आप कुछ परचेज करना चाहते हैं तो वहां से जाकर उसको डायरेक्टली ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं और मैं हाईली रिकमेंड करूंगी इस लिप स्क्रब को क्योंकि ये बहुत ज्यादा अच्छा है और अगर आप लिपस्टिक रोज लगाते हो बहुत ज्यादा पिगमेंटेड लिप्स हैं तो इसको जरूर परचेज करना एक बार ही तो और गुड वाइब्स के प्रोडक्ट्स आप लोगों को पता ही है कि बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं रीजनेबल प्राइजेस में आते हैं तो आप उनको इजिली अफोर्ड कर सकते हो तो आई होप कि आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वाली वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस करें एंड ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बाय बाय